स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा AMU का एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पेपर है जो 9th क्लास के लिए अभी हुआ है, 26 को हुआ है। आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस इसमें 85 थे, 85 15 नंबर का जो है आपका इंटरव्यू रहता है। अब 85 क्वेश्चंस में से देख लेते हैं किसमें का आएगा, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन है कि ही वेरी लिटिल वैन देयर द स्ट्रेंजर ऑफ प्रेजेंट। पहले का जो आंसर होगा ऑलवेज स्पीक प्रेजेंट का है, तो पहले का जो आंसर है वो रहेगा ऑलवेज स्पीक, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आई वॉन्ट टू बी एम पी, है ना, आई वॉन्ट टू बी एम पी, यानी कि इसका जो आंसर रहेगा वो सेकेंड होगा। क्या होगा इसका आंसर, सेकेंड होगा, एन आएगा, ठीक है। द सिनोनिम्स वर्ड ऑफ कोवार्ड, कोवार्ड का अगर हम सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसका आंसर रहेगा सी, ओके, इसका आंसर रहेगा सी। हम फोर्थ की बात करेंगे, फोर्थ इफ़ ही वांट टू विन द रेस हील हैव टू पुश फाइव पीपल, यानी कि इसके लिए हम बात करेंगे तो इसका आंसर रहेगा अवे आएगा, सी इज़ द राइट आंसर, ओके। फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव को बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव की जब हम बात करेंगे तो इसमें जो रहेगा वो रहेगा ए डिस्पाइट ऑफ देयर, ठीक है, ए की बात करेंगे। विच द सेंटेंसेज इज करेक्ट, करेक्ट सेंटेंसेज में छाटना है। करेक्ट सेंटेंसेज होगा आई हैवंट रेडी रीड एनी ऑफ द लेटर, मैं ये वाला आएगा, डी इज़ द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, क्वेश्चन नंबर सेवन में इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है हमें सेंटेंस को। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर जो होगा वो होगा ए, ए इज़ द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर एट की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर एट में आप देखेंगे कि आपका आंसर जो होगा वो होगा सी, क्वेश्चन नंबर एट में जो आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नाइन में जो आपका आंसर होगा ए, ओके। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करेंगे, इसमें जो है मेजर ध्यानचंद की पूछा है, तो मेजर ध्यानचंद जो है 1905 में जो पैदा हुए थे उनका जो है पूछा है पैदाइश कब की है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो नज़्म पूछ रहा है, नज़्म डी इज़ द राइट आंसर इस नज़्म का, ओके। इसमें जो है देहरादून है, सी आपका आंसर होगा। 13 का आप देखेंगे, 13 का जब आप आंसर देखेंगे तो वो होगा बी, बी इज़ द राइट आंसर। 14 का देखेंगे तो 14 में ए है आपका, ओके। और 15 की जब हम बात करेंगे तो 15 में जो है आपका डी आंसर है। चलिए 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन में आपने देखा इसका आंसर है बी, 16 क्वेश्चन में है बी। और 17 क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो भी होगा बी, ठीक है। ये थे उर्दू के क्वेश्चंस जो कि हम फिनिश कर लिए हैं। अब हम चलते हैं 18 है उपनह का शब्द का सही अर्थ है, इसका सही अर्थ है जूता, ठीक है। पिता के पत्र पुत्री के नाम किसने लिखे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ओके। निम्नलिखित पंक्तियों में से किसके जो है, ये निम्नलिखित पंक्तियाँ किस के कवि के द्वारा रचित हैं ये हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का जो है आपका आंसर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ओके, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। को कारक चिन्ह पूछ रहा है, को किसको जो है संबोधन करता है, तो ए है कर्म कारक, ठीक है। 22 को देख लेते हैं, 22 में आपका जो है, 22 में आपने देखा तो इसका अनुप्रयास अलंकार होगा। तरंगिणी का पर्यायवाची कौन सा होगा, तरंगिणी जो है देखो जहाँ तरंगें होती हैं वो नदी होती है, क्या होती है, नदी, तो सी होगा इसका आंसर, सी, ओके। 14 का आंसर देख लेते हैं, अंगारे उबलना, यानी किसी से कड़वी बात कहना, ठीक है, किसी से कड़वी बात कहना, इस अंगारे उबलना किसी से कड़वी बात कहना है, कठोर वचन कहना, ओके। आजन्म कौन सा समास है, अव्यय भाव होगा सी, आजन्म में अव्यय भाव होगा, सेक्शन सी। ए लार्ज, देखिए साइंस का है, ए लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के बीच में कौन सा होगा, तो वो एस्ट्रॉयड होते हैं, ओके। 127 का देखेंगे, 27 का हमने देखा तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, 27 का आंसर होगा बी। 28 की हम बात करेंगे, 28 की हम बात करेंगे तो इसमें होगा रायन, ओके।
इसकी बात करेंगे तो इसमें जिंक होगा, ठीक है। देखें विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, यानी किसको कौन लाइट को कंट्रोल करता है, वो आयरिस होता है। 31 को देख लेंगे, 31 को देखेंगे, 31 का ए रहेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा इसका, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। 31 का सी रहेगा आपका, 31 का सी रहेगा, ओके जी। अब आप देखेंगे 32, स्प्लिटिंग ऑफ द वाइल इनटू इट्स द कंस्टिट्यूएंट कलर इज नॉन एज, है ना। तो इसका जो आंसर होगा 32 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, क्लियर क्लियर। 33 देख लेते हैं, 33 का जो आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ द अबव यानी कि डी रहेगा। 33 का आंसर ऑल ऑफ द अबव। 34 को देखते हैं, विच इज़ नॉट द ब्लेंडेड फाइबर, है ना, कौन सा जो है ब्लेंडेड फाइबर नहीं है, तो उसका आंसर रहेगा बी, उसका आंसर रहेगा बी। 34 का आप बी देख लेंगे। 35 को देख लेते हैं, 35 का जो आंसर है वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। चलिए, द टू ऑब्जेक्ट ऑफ रबर्ट द अगेंस्ट ऑफ ईज, यानी कि आप दोनों दो हाथ ऑब्जेक्ट को रगड़ते हैं तो क्या आता है, देखिए यहाँ पर आएगा वन विल इज द, देखिए वन विल लॉस एंड द अदर विल गेन द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है, ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तो वो रहेगा आपका सी, क्या रहेगा सी, ठीक है। ये देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट द कॉज ऑफ बाई बैक्टीरिया, ठीक है, कौन सी डिजीज़ है वो, तो डिजीज़ की हम बात करते हैं तो आपका सी रहेगा, यानी कि मिसल्स होगा, ठीक है, मिसल्स। देखें 38, विच इज़ द फॉलोइंग ऑफ केमिकल्स इन यूज बाई द प्रिसर्वेटिव, ओके, प्रिसर्वेटिव में कौन सा जो है आपको केमिकल्स यूज़ किया जाता है। 38 क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें सोडियम, क्या सोडियम बेंजोएट, ओके। अब इसमें यूनिट बताना है आपको, तो देख लेते हैं 39 में आपका गेन होगा, ओके। 40 को देख लेते हैं, 40 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एबल टू फिक्स एट्रोमोस्फेयर फॉस्फेट नाइट्रोजन, ओके, कौन सा होगा देख लेते हैं। 40 का जो आंसर होगा वो होगा डी, ओके। 41 देख लेते हैं, 41 पे जब हम जाएंगे तो 41 है आपका, 41 का आंसर होगा ए, फास्ट करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 42 को देख लेते हैं, 42 का आएगा सी, 42 का आएगा सी, और 43 का जो आंसर होगा आपका वो होगा सी, ओके, क्या होगा सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 44 का आंसर होगा आपका, 44 का आंसर होगा ए, 44 का ए होगा, 45 का होगा डी, 45 का होगा डी। 46 को देख लेते हैं, 46 में आपका जो है, 46 में आपका आंसर होगा ए, सिल्वर, ठीक है। 47 में आपका आंसर होगा, 47 में आपका आंसर होगा, देखिए इसमें क्या है, एलपीजी गैस का मेन गैस कौन सी होती है, ये दोनों ही गैसें मेन होती हैं, इसमें आप किसी को भी टिक कर दीजिए, दोनों ही आपके राइट आंसर होंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 48 में जो है आपका सी होगा, 48 में आपका सी होगा, और 49 की अगर आप बात करेंगे तो 49 में आपका होगा एडोलसेंस, यानी कि हाइट किस में बढ़ती है चिल्ड्रंस की, वो एडोलसेंस उम्र होती है, ठीक है जी, एडोलसेंस होती है किशोर अवस्था, जो कि 12 से 18 होती है। चलिए यहाँ पर देखेंगे आप 50 क्वेश्चन है, द वॉइस बॉक्स इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि आप वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं देख लेते हैं। तो देखें इसको हम कहते हैं माउथ होता नहीं, हर्ट होता नहीं, स्टोमच होता नहीं, ये तीन तो होते नहीं, तो ए आपका राइट आंसर है। चलिए 51 देख लीजिए, 51 को आप देखेंगे तो 51 में आपका जो है सी रहेगा, ठीक है। 52 देखेंगे, 52 में आप देखेंगे ए रहेगा आपका प्रेशर, 53 में आप देखेंगे 53 में आपका सी रहेगा, ओके, 53 में आपका सी रहेगा,
54 में आप देखेंगे, 54 में आपका जो आंसर रहेगा वो बी होगा, 55 में जो आपका आंसर होगा वो देखेंगे आप सी होगा, क्या सी। 56 में जो है आप अपना आंसर देखेंगे, 56 में वो होगा ए, और 57 में आप देखेंगे कितना परसेंट जो है आपका जो है लॉस होगा या गेन होगा वो देखना है इसमें। तो 57 का जो आंसर है वो आपका जो है गेन होगा, डी आपका आंसर सही है, क्या होगा डी आपका आंसर सही है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट ज़रूर करिए, जिसको आपके सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके ठीक है, चलिए इसका जो आंसर होगा देखिए, 58 का जो आंसर होगा, 58 का आंसर थोड़ा डाउटफुल है जो कि अभी हमने किया नहीं है इस वजह से, ठीक है। 58 और आपको 59 को देख लेते हैं, 59 को, 59 का जो है ए आंसर इज़ करेक्ट है, ए आंसर करेक्ट है, ठीक है। और 59 हो गया, 60 का देखेंगे, 60 का जो आंसर है वो भी अभी क्लियर नहीं है तो 60 को भी छोड़ देंगे, ठीक है। 61 को देखेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है 61 का, तो आपको 6 ही आंसर आएगा, अभी आपने पढ़ा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आप देखिए इसका जो आंसर है वो 30 है। सॉल्यूशन की बात करें तो ये इस बच्चे ने किया हुआ, ये एकदम एक्यूरेट है, करेक्ट है, तो आपका 30 है, ठीक है। इसमें जो है आपका आंसर है वो 18 आएगा, डी रहेगा, ओके। इसका जो आंसर है वो डी रहेगा। 64 देखेंगे, 64 में जो है आपका आंसर होगा 15, ओके। 64 में जो है आपका आंसर होगा, 64 में आपका आंसर होगा ये 15, बी आंसर होगा, ओके। चलिए 65 देख लेते हैं, 65 में आप देखेंगे कि देखिए जिस मोनोमियल वो होते हैं जिनमें एक टर्म होता है, बाइनोमियल वो होते हैं जिनमें दो टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल भी वो होते हैं जिनमें तीन टर्म होते हैं। तो तीन टर्म है 1, 2, 3, तो इसमें टर्म कितने हैं 3, तो ये ट्राइनोमियल होगा, ओके। जब आप देखें, अभी आप देखेंगे 66 को, 66 में आप देखिए इसका जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 10/9 होगा, 10/9 को जब आप वहाँ लेंगे तो ये 19/ ये हो जाएगा, 10/9, तो 9 ऊपर पहुँच जाएगा 20, 10 और 19/10 हो जाएगा, और जब आप इसे करेंगे तो 29/19 आएगा, ये आपका राइट आंसर होगा, ओके, ए इज़ द राइट आंसर। 67 आप देखेंगे, 67 में क्या है, आपको क्या कहा है, डायगनल रोमबस डायगनल दे रखा, एरिया फाइंड आउट कर रहा है, डायगनल है आपका 10 और ये है 8.2। तो आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर 1/2, इस तरीके से रहा, तो इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा 41, ओके 41 रहेगा, ओके। चलिए परफेक्ट क्यू की बात करेंगे तो सी रहेगा आपका, 7 आएगा, इसका करेंगे इन सब का सम कर लीजिएगा, वो 10 का स्क्वायर 100 ही आएगा, ओके। यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करना है, इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद बड़े टर्म से छोटे टर्म को माइनस करना है, यानी कि 51 आपका आंसर आएगा। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, रोमबस के डायगनल आपको दिए हैं, यहाँ पर करना ये है 1/2 होगा, ओके 1/2 अंडर रूट के अंदर एक डायगनल का स्क्वायर करिए, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, इस तरीके से इस फॉर्मूले को आप लगाइएगा। आप लगाएंगे इस फॉर्मूले को तो आपको मिलेगा क्या, देखिए 12 का होता है 144 प्लस यहाँ होता है आपको 16 का होता है 256, दोनों को जब मैंने ऐड किया तो यहाँ 400 मिलेगा, वो भी अंडर रूट के अंदर 20 आएगा, 20 को 2 से हम कैंसिल करेंगे तो आपका बी इज़ द राइट आंसर, क्या रहेगा इसका, बी आपका राइट आंसर रहेगा, बी, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ए। अब देखें 73 को जब आप देखेंगे तो इसका आंसर होगा डी, ओके। 74 को जब आप देखेंगे तो 74 का भी आंसर आपका डी रहेगा, ओके। चलिए इसको देखिए, इसको जब आप करेंगे तो इसकी पावर को आप जब एक्सचेंज करेंगे 2 की करेंगे, या आप पावर का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ऊपर हो जाएगा 4 और डाउन में हो जाएगा आपका, जब आपने ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब आप ऊपर करेंगे तो आपको मिलेगा 3 की पावर 4 और डाउन में करेंगे तो आपको 5 की पावर 2 मिलेगा, और जब इसे ओपन करेंगे तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो ए होगी, ओके ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, द डायगनल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एक डायगनल दे रखा है जिसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, डायगनल से एरिया फाइंड आउट करना आपको अच्छे से आता है स्क्वायर का,
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए द सम ऑफ इंटीरियर ऑक्टागोन, ऑक्टागोन का जो सम होता है वो ये होता है। चलिए डी इज़ द राइट आंसर है ऑक्टागोन वाला। 78 देखेंगे, 78 का भी आपका जो है डी रहेगा। नंबर ऑफ कॉम ये है द टू कॉइंस आर द टॉस्ड ऑफ रेंडमली, द अटेम्प्ट ऑफ चांस होते हैं। देखिए टू कॉइंस है तो हेड या टेल आ सकता है, तो दो बार अगर हम किसी को उछालते हैं तो दो दो बार दो दो चांस हो सकते हैं, तो आपका जो 4 चांस हो जाएंगे। ओके, पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी आउटकम 4, यानी 4 डिजिट आपकी आ सकती हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79। जब आप 79 देखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा एनम में वो ये होगा, हाफ ईयरली आपको जो है इसको काउंट करना पड़ेगा। और जब आप इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड करेंगे तो देखो वाई के साथ वाई का किया तो वाई स्क्वायर होगा, यहाँ पर आपने वाई के साथ बी वाई हो जाए, बी वाई हो जाएगा प्लस ए वाई हो जाएगा। ओके, माइनस ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। जब यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो आप यहाँ माइनस कॉमन लेने पर ए पॉजिटिव हो जाएगा और बी, देखो यहाँ ए है क्या, बी है, तो बी पॉजिटिव हो जाएगा ए नेगेटिव हो जाएगा। तो जिस कंडीशन में आपको ये मिलेगा वो होगा बी आपका आंसर, कौन सा होगा, बी आपका आंसर होगा। ठीक, बी होगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। 81 का जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ प्लस वी इज इक्वल टू वी ई प्लस टू, सॉरी ई प्लस टू होता है ये, बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी 81 का क्वेश्चन हो चुका है, आप अब इसे देखेंगे। इसको करने के लिए आपको यहाँ सिंपल सा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो एक बार ए माइनस बी माइनस सी एक ब्रैकेट में, एक बार ए माइनस बी प्लस सी, यानी कि एक ये आएगा, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, आप इसे देखिए, ये तो बहुत ईजी है। यहाँ क्या करना है, 7 से आप इसे काट दीजिएगा, यहाँ आएगा 3, 3 से ये ख़त्म। ओके, 5 से 4 बार ख़त्म, 4 से 4 ख़त्म, ऊपर बचा 16 और नीचे बचा आपका 9। तो देखिए 16 अपॉन 9 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। ओके चलिए देखें, द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, देखिए एनी डाटा, जब आप किसी बड़े नंबर से किसी छोटे नंबर के बीच का डिस्टेंस पूछ रहे हैं, देखिए जो मीन होता है वो होता है टू सेकंड वाले का टर्म का दुगना होता है फर्स्ट एंड सेकंड के टर्म का जो है योग के बराबर होता है। क्लास साइज होता है यानी 5 से 10 इस तरीके से चलता है। मीडियन होता है इन सब का मिड पॉइंट यानी एवरेज वैल्यू, तो आप इसे रेंज कहेंगे, क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, ये रेंज रहेगा। ओके, 85 क्वेश्चन देख लेते हैं। द कोन एंड सिलेंडर हैविंग द सेम साइड एंड सेम रेडियस, यानी कोन और सिलेंडर सेम साइड रहे हैं तो बेस और वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा दोनों का, तो ये है 1/3 रहेगा, क्या होगा, 1/3 रहेगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो के अभी आपका 85 मार्क्स का AMU का एंट्रेंस हुआ था, उसका पेपर का फुल सॉल्यूशन यहाँ पे आपका भी मिल चुका है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। ठीक है, आप अपना रिजल्ट हमें बताइएगा, 85 में से कितने क्वेश्चन हैं। आपकी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपका जो जाएगा 64 अप्रॉक्स जाएगा, यानी 64 मार्क्स आपके आने चाहिए, क्लियर, तो आप जो है एलिजिबल होंगे फॉर AMU एंट्रेंस एग्ज़ाम 9th क्लास के लिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।